हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में चार ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे। गर्मी लगेगी उन स्टॉकों को, ओके, बट आपके पास पैसा आएगा, ओके, आप पैसा उसमें बनाते हुए दिखाई देंगे, आपको पैसों में ठंडक मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पर आपके पैसों में ठंडक दिखाई देगी। तो इस तरीके के स्टॉक है, चार स्टॉक चूज़ करे हैं। क्यों चूज़ करे हैं, उनके पीछे वजह है, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं एंड नाउ देयर टाइम टू ग्रो अप, ओके। तो उन शेयरों पे हमें नज़र रखनी है, पोर्टफोलियो में ऐड करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करना है, ओके। बाइंग करनी है तो वो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके या खुद की स्टडी लेके करके आप हेल्प करिए, ओके, इन्वेस्ट करिए। मेरे कहने से या किसी और के कहने से बिल्कुल भी मत करिए। आपको लगता हो शेयर में जान है, आप अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली करिए, ओके, और अपनी स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर बात करें अभी की डेट में, मैंने एक स्टॉक से रिलेटेड वीडियो, दो स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई है, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, ये शेयर मंडे को शायद बहुत अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा, तो इसकी तरफ नज़र रखना। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, सो आप सभी का थैंक यू सो मच। और इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है। एज वेल एज बात करें, हर एक के पोर्टफोलियो में $1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर्स जो आगे आएंगे। एज वेल एज हम बात करें, अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारी वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर भी उनसे कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा ये टारगेट है, मिशन है, तो इसे हमें डेफिनेटली अचीव करना है। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और हमारा देश एक बहुत बड़ी समस्या से, COVID-19 से जुड़ रहा है, सेकेंड वेव आ चुकी है, ओके, तो इसकी तरफ आपको नज़रें बना के रखनी है, ओके, आपको थोड़ा ध्यान देना है, सेफ रहना है, एज वेल एज दूसरों को भी सेफ रखना है। और आप दूसरों लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हो, उसके हमेशा उपाय निकालिए, ओके। तो यही काम मैं भी एक तरीके से कर रहा हूँ कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके की, किसी को खाना देके या किसी भी जिसको जो नीडी वन है उसकी ज़रूरतें पूरी करके। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर पीएम केयर फंड पर ले जाएगा। और वैक्सीनेशन चालू है, सबको वैक्सीनेशन लगेगी, तो आप अपने आप को एनरोल करो और जाके वैक्सीनेशन लगाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। चार शेयर है, सीधे सीधे जल्दी जल्दी आएंगे और बात करेंगे इनके बारे में। पहला है अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज वन ऑफ द गुड स्टॉक है, ओके, क्या काम करता है, ये सारे के सारे स्टॉक जितने भी है ना, PLI स्कीम का इन्हें सीधे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, गर्मी से रिलेटेड स्टॉक है, ओके, AC बनाते हुए नजर आते हैं, ओके, सोलर पैनल बनाता हुआ नजर आता है ये वाला स्टॉक तो। और ये स्टॉक तो खुद बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है LG के लिए, ब्लू स्टार के लिए, गोदरेज के लिए, हिताची के लिए, यहाँ पर आप देखिए करियर के लिए, यहाँ पर मल्टीपल SML इसुजू मल्टीपल कंपनीज हैं इनके लिए, ये बनाता हुआ नजर आता है। तो इस कंपनी की तरफ खासकर बार बार कह रहा हूँ, खासकर नज़र रखनी है। और बहुत गिरा हुआ है, बाय ऑन डिप्स करना है। यहाँ पर अगर मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर इनका चार्ट पैटर्न, तो आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी कल की डेट में भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है लगभग 2%, और अच्छे खासे रेट पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैक्सिमम 6 महीने की बात करें तो ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट होता हुआ नज़र आया। अगर बात करें 3700 के आसपास ये शेयर गया था, और उसके बाद यहाँ पर लगभग 15-16% की यहाँ पर गिरावट नज़र आई है। आप इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइए, आगे चल के ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स तो देगा ही देगा, और इसके टारगेट भी अच्छे खासे, और ये भी गर्मी में चलने वाला स्टॉक है। इसके अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात कर ले, मार्केट कैप देख सकते हैं आप, लगभग 10,000 करोड़ का है, मिड कैप कंपनी है, लगभग डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, 29% का डेट है, और यहाँ पर कोई भी शेयर में प्लेजिंग नहीं है। सीधे हम यहाँ पर प्रॉफिट में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 से यहाँ पर 22 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 69 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर बैठा हुआ है। कंपनी इज डूइंग बिजनेस, ग्रेट बिजनेस कह सकते हैं, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, कंपनी एटलीस्ट परफॉर्मेंस करके दिखानी है। और बात करें बोराइंग की, तो लगभग 434 करोड़ रुपए की बोराइंग है यहाँ पर, और इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट कुछ कंपनी ने नहीं कर रखा। और कैश की बात करें तो यहाँ पर 273 करोड़ रुपये का यहाँ पर कंपनी के पास कैश भी है, तो रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बोराइंग कंपनी ले रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है PLI स्कीम का फायदा लेने के लिए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में दीजिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी
बयासी या 40%, 28.06% की FIIs के पास है। देख सकते हैं कितनी उन्होंने कितनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की बात करें तो 7.62% की और पब्लिक की बात करें 24% की हिस्सेदारी है। तो इसलिए इन शेयरों की तरफ ध्यान दीजिए। ब्लू स्टार एज वेल एज बात करें यहाँ पर और इसके कुछ चार्टर पैटर्न की, तो यहाँ पर देख लिया अंबर इंटरप्राइजेस जहाँ से गिरा हुआ है लगभग 16% की अपसाइड दिखा सकता है। और थोड़ा टाइम और इस कंपनी को अपने पास रखोगे तो ये और अच्छा खासा आपको रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा और फ्यूचर में शायद बोनस भी देते हुए नजर आए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंपनी है जॉनसन हिटाची, मेरे पास स्टॉक है ये वाला, ओके बहुत टाइम से होल्ड कर रखा है। 2900 के तब जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, तो वॉलेटाइल स्टॉक है। पहले बताना चाहता हूँ 6 मंथ देखा चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगभग खरीदा था, उसके बाद देखिए अच्छा खासा भागा, फिर उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट, फिर भागा, फिर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो बेस्ट टाइम टू बाई दिस स्टॉक, ओके बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी अच्छा खासा है, आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। हिटाची ग्रुप का ये स्टॉक है और आई थिंक ये जापान की कंपनी है, मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, बट कोई इशू नहीं है। 28% का यहाँ पर डेट है, प्राइसिंग कुछ भी नहीं है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पर इसलिए, बट अभी रिजल्ट आएंगे तो काफ़ी आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिछले 3-4 क्वार्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 करोड़ का प्रॉफिट 488 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। और अभी तक जब नेगेटिव में चल रहा था, क्वार्टर वाइज अगर बात करें तो प्रॉफिट में कंपनी नजर आती है। रिजर्व्स की बात करें अच्छा खासा रिजर्व्स है 619 करोड़, और बोरिंग की बात करें घटता हुआ बोरिंग नजर आ रही है, बट 181 करोड़ की बोरिंग है, कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इसे अपने पोर्टफोलियो में रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। 74% की होल्डिंग यहाँ प्रमोटर्स की है, FIIs यहाँ पर थोड़े बहुत ही है, DIIs भी यहाँ पर 15% है, बाकी पब्लिक, तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर अच्छे खासे हाथों में है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ टेक्निकल्स की इसकी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है ओके, और बात करूँ यहाँ पर ये शेयर कितना तक आ सकता है, तो दोबारा 2122 तक आ सकता है, बट मेरे को लगता नहीं है यहाँ पर आएगा, बाकी अब यहाँ पर से जंप करने की ही इसकी अपसाइड से। अगर बात करें यहाँ पर कितना, तो 26% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं, तो आपको बाय ऑन डिप्स करना है, अच्छा खासा स्टॉक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। तो अब बात कर ले दूसरे स्टॉक हैवेल्स, हैवेल्स स्टॉक आपको पता ही है क्या बेहतरीन रिजल्ट इसने पेश किए थे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। बात बार अगर 6 महीने की करते हैं तो शेयर लगभग यहां पर देखिए 1200 रुपए तक जाके आया था, और फिर उसके बाद यहां पर गिरता हुआ नजर आया, लगभग 20% शेयर गिर चुका है, बट अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का टाइम है, एज वेल एज गर्मी बढ़ रही है ओके, ऐसी और हैवेल्स फैन वगैरह बहुत सारी चीजें बनाता हुआ नजर आता है, तो ये यहां पर इनकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी और इस बार के जो रिजल्ट आएंगे तो आपको उसमें आपका इफेक्ट नजर आ जाएगा। बाकी मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, डरने की जरूरत नहीं है, 22% का डेट है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, और यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा था, देखिए दिसंबर में क्या रिजल्ट आए थे, बेहतरीन रिजल्ट, 350 करोड़ का प्रॉफिट ओके। ईयरली बेसिस पे भी बात करें तो यहां पर देख सकते हैं, यहां 160 करोड़ रुपए का नेगेटिव प्रॉफिट था जो कि 918 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। इस शेयर की तरफ आपको और ज्यादा ध्यान देना है। हैवेल्स रिजर्व्स की बात करें अच्छे खासे रिजर्व्स है, लगभग 4647 करोड़ के रिजर्व्स, और बात करें 1000 करोड़ की बोरिंग है, बट कोई इशू नहीं है, यहां पर अपने आप को एक्सपेंड ही कर रही है कंपनी। यहां पर अगर बात करें कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 59% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, FIIs भरे हुए, अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है यहाँ पर पॉइंट में। अगर DIIs की बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट स्टिल दे आर हैविंग अ गुड शेयर होल्डिंग पैटर्न। और अगर बात करें यहाँ पर गुड स्टेक, और पब्लिक की बात करें तो 7% की हिस्सेदारी पब्लिक की नज़र आती है, तो यहाँ पर इस स्टॉक की तरफ भी नज़र रखना है। हैवेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवेल्स में लगभग 23% के रिटर्न्स के अपसाइड्स मिल सकते हैं, तो और बार बार इसी लेवल पर ये सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आता है, तो आप इस स्टॉक की तरफ नज़रें बनाइए, अभी ये भागने पर ही है। और सबसे अच्छे अगर बात करूँ RSI पे चल रहा है 38 के, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इस तरीके का स्टॉक है, तो हम याद रखना। इसके अलावा बात करें दूसरा कंपनी आपने सुना ही होगा वर्लपूल ऑफ इंडिया, ओके अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर 6 महीने में हमें नजर आया है, लगभग 2700 रुपये से 2800 रुपये तक ये शेयर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे गिरा है, 21% की अपसाइड यहाँ पर भी नजर आते हैं। और इस कंपनी की बात करें लगभग मिड कैप कंपनी है, कोई भी डेट फ्री कंपनी है, प्राइसिंग कोई भी नहीं है। अगर इसके परफॉर्मेंस की क्वार्टरली वाइज बात करें तो अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट भी पेश करे है, प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए अच्छा खासा होता हुआ नजर आया 64 करोड़ रुपये का, कुछ ना कुछ यहाँ पर टैक्स वगैरह ज़्यादा दिया होगा या कुछ भी। तो यहाँ पर ईयरली बेस पे भी बात करें
तो लगभग 5474 करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स हुई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें 297 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हुआ है। इनकी वेबसाइट पर देखना तो इन्होंने अपने आप को इनोवेट करता जा रही है कंपनी, ओके। तो ये कंपनी अच्छा खासा आगे चल के परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आएगी। फॉरेन कंपनी है तो डरने की जरूरत नहीं है, रिजर्व्स अच्छे खासे है, डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं देना तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश भी अच्छा खासा इस कंपनी के पास है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, 75% के शेयर मतलब बिल्कुल नेट रख रखा है, और कितने यहाँ देख सकते हैं हर एक साल में नेट रख रखा है, पर अपने होल्डिंग देने ही नहीं चाहते। FIIs की बात करें हिस्सेदारी बढ़ाई है 3.38% की, DIIs की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं DIIs 11% की, बाकी पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास आपको 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो अच्छे खासे हाथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न, और 75% का मतलब सिंपल होता है प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ और चार्ट पैटर्न की, तो वर्ल्ड फूल देख लिए यहाँ पर, इसने तो मूव देना शुरू भी कर दिया है, ओके। यहाँ पर 52 के RSI पे है, बट स्टिल यहाँ पर अगर बात करें तो 21% के रिटर्न आपको अपसाइड मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी लगभग 2600-2700 रुपये तक जाती हुई नज़र आई है। मैंने ऊपर नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेस लेते हैं तब बताया, वरना अगर ऊपर ले लेता हूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता हुआ और नज़र आता है, आपके 30% तक के रिटर्न मिलेंगे। तो इस बात को याद रखिए, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर अच्छे लग रहे हैं, शेयर काफ़ी बेहतरीन है, RSI इनके फेवर में, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर कंपनी सारी ब्रांडेड है, PLI स्कीम का फ़ायदा है, ओके। तो और नीचे गिरे हुए हैं, अभी खरीदते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में होता हुआ मिलेगा। और मैं बात बताऊँ तो 3-4 महीने में, ये गर्मी के 3-4 महीने ही चल रहे हैं, 3-4 महीने में प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ACs बिकेंगे, फैंस बिकेंगे, और आपको बताना चाहता हूँ ये कंपनी विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, यही इनका टाइम होता है, और अच्छा खासा जनरेट करते हुए प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और 10 साल तक भी इन कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, इस बात को भी याद रखिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।